अशोक जी के पास चलूंगा। संविधान सभा की चर्चा आई है, उस पर एक टिप्पणी करना बहुत जरूरी है ताकि कटुता ना बढ़े। संविधान सभा न अगड़ों की सभा थी, न पिछड़ों की सभा थी, न दलितों की सभा थी, न आदिवासियों की सभा थी, सुरेश साहब ने, वो भारत की सभा थी। और उतना वेल रिप्रेजेंटेड कोई सभा दूसरी बनी ही नहीं भारत में। हर वर्ग का, समाज के प्रतिनिधि वहां था, छोटा बड़ा, अगड़ा, रईस, गरीब, सब, विदेश में पढ़े, देश में पढ़े, सब। इसलिए ये कहना कि इन्होंने नहीं दिया, गांधी ने नहीं दिया, नेहरू ने नहीं दिया, भारत ने नहीं दिया, जापान ने नहीं दिया, हम तो खुद लाए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोई आइसोलेशन में संविधान से आरक्षण को पकड़ के ले आया था कि तोता था, कोई जेब में ले आया, बोले हम ले आए आरक्षण, नहीं भाई। एक सेकंड महाराज रुक जाओ और जान लीजिए एक चीज, सुरेश जी बड़े विद्वान व्यक्ति है, फिर भी संविधान सभा में एक मर्यादा थी अशोक जी कि जो भी बात होगी इसमें लिखी जाएगी संविधान में। चर्चा तो बहुत चली, ठीक, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो भी बात लिखी जाएगी वो तभी लिखी जाएगी जिस पे सर्वसम्मति होगी। क्या कॉमन सिविल कोड इसीलिए छोड़ दिया बाबा साहब ने, बोले अगर सरकारें तय करें, संसद तय करें, क्या इसका मतलब सर्वसम्मति से आरक्षण पास हुआ भारत में, जिसमें अगड़े भी थे, पिछड़े भी थे, दलित भी थे, आदिवासी भी थे, तब आरक्षण आया मेरे भाई। इसको इतना हल्का नहीं करो, यह भारत का कमिटमेंट है, यह किसी नेता का इंडिविजुअल कमिटमेंट थोड़ी ना है भाई। कोई नेता इतना बड़ी हैसियत हो सकता है कि इंडिविजुअली कमिटमेंट कर दे? नहीं, ये भारत ने अपने संतानों को कमिटमेंट किया संविधान सभा में, वो लिखा गया, इसलिए उस पर खाली पीली झोला रख के बस की सीट पे बस अपने नाम ना कराओ कोई ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने आरक्षण दिया है अपने को, अपने संतानों को, इसलिए उसको उसी बड़ी तस्वीर में देखिए। अशोक जी, रोहिणी कमीशन का मैंने जिक्र किया था, उसने कहा है कि बाकी तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, उसमें तमाम लॉजिक है, तमाम वो हैं, फैक्ट्स हैं, लेकिन उसका मूल लब्बो लुबाव ये है कि चार भागों में पिछड़ों के रिजर्वेशन को बांट दीजिए, क्योंकि 2600 में से करीब 1000 जातियां ऐसी हैं जिन तक आरक्षण का लाभ अभी पहुंचे ही नहीं। क्या इतने साल हो गए अभी पहुंचे ही नहीं? उधर इधर मालपुआ चल रहा है, उधर बतासा भी नहीं गया अभी, तो रोहिणी कमीशन ने कहा कर दो। अब मुझे नहीं पता कौन सी सरकार ये कर पाएगी, लेकिन अगर मान लीजिए कोई सरकार ऐसा करना चाहे तो आपका रुख क्या रहेगा अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जब अंग्रेजों से पेंशन ली तो उनसे उन्होंने ज्ञान भी लिया, और ज्ञान ये लिया कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। अब देखिए हम लोग जो फिजिक्स में प्रैक्टिकल करते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास को धूप में करते थे, जब उसका फोकस सेंट्रल होता था तो पेपर ऊपर जलने लगता। ये होती है संघे शक्ति कलयुगे, मतलब संघ अगर आप यूनाइट है तो आपकी शक्ति है। अब भाजपा इसी को तोड़ना चाहता है, क्योंकि वो, मैंने इसके पहले बताई दिया क्यों, ज्ञान कहाँ से मिला उनको। दूसरी बात जो आपने कहा कि आज जो अनुसूचित जाति के आरक्षण में बाइफर्केशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कल रोहिणी कमीशन के आधार पर पिछड़ी जातियों में बाइफर्केशन और क्लासिफिकेशन करने का प्रयास करेंगे, इस चीज को भांपते हुए हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, कि आपको यूनाइट रहना है और हर उस साजिश को बेनकाब करना है और हर उस साजिश से लड़ना है जो इस देश में डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। आप देखिए अभी हमारी बहन ने कई बातें कही, जातिगत आधार पे हो रहा, बहुत देश में आग लग जाएगी, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए जो बेसिक जरूरत है अमिताभ जी की, आज क्यों ऐसा हो रहा है, आज पीडीए आंदोलन की जरूरत क्यों है, आप बताइए। इसके पहले जब मोदी सरकार का पहला टर्म था, उन्होंने कितने लेटर एंट्रीस आईएएस बनाए, वापस किया उन्होंने? नहीं वापस किया, उसमें तो जाति देख के बनाए ना, कितने पिछड़े दलित उसमें एडजस्ट किए बताइए, जो भी आईएएस बनाए हैं। अभी जो 45 लोगों का था, अमिताभ जी आप तो विद्वान आदमी, बताइए 45 लोगों का एक साथ विज्ञापन नहीं आता है, विभाग वाइज आता है, तीन तीन करके, दो दो करके, क्योंकि अगर एक साथ 45 कर देंगे
13 पॉइंट रोस्टर के तहत हर चौथा पद ओबीसी को देना पड़ेगा, हर सातवां पद एससी को देना पड़ेगा, हर चौदहवां पद एसटी को देना पड़ेगा, हर दसवां पद ईडब्ल्यूएस को देना पड़ेगा। तो ये साजिश किसकी है? ये साजिश मोदी सरकार की है, योगी सरकार की है कि पिछड़ों को धर्म के आवरण में ढक दो, उनके ऊपर रेड कार्पेट बिछा दो और पीछे से उनके आरक्षण को लूट लो। तो इसलिए पीडीपी की आंदोलन की जरूरत है और हम लोग हमेशा पिछड़ों दलितों को साथ मिलकर इस आंदोलन को ठीक अशोक बाबू ठीक है रत्नाकर जी के पास जरूर, उससे पहले एक बात और भी रख दूं ताकि भैया हमें बहस को खूंटे से बंद ही रहने दो, नहीं तो आप लोग तो लेके भाग जाओगे बहस ईरान तुरान। हर आदमी चाहता मेरी सुविधा की बात हो जाए। नहीं, अशोक जी ने कहा कि पीडीए है और डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की पॉलिसी, ये हम लोग जब छठे सातवें में थे तो निबंध में लिखते थे डिवाइड एंड रूल हैं। तो उनको मैं याद दिला दूं, बिहार में तो सब कुछ सामाजिक न्याय का ही मामला है, लालू जी जैसा बड़ा आदमी, नीतीश बाबू जैसे बड़े आदमी, और पिछले 35 साल से वहाँ कोई गए सामान्य वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहा क्या? 15 साल लालू जी, राबड़ी जी, और 20 साल नीतीश बाबू, 35 हो गए क्या? वहाँ आरक्षण को बांटा गया है, दलित के आरक्षण को भी, ओबीसी के आरक्षण को भी। वहाँ आग लग गई, वहाँ बवाल हो गया, वहां हिंसा हो गई, वहां क्या हुआ? चुनाव बंद हो गया? यह लालू यादव से बड़ा कोई और सामाजिक न्याय का प्रणेता हो गया? यह नीतीश जी से बड़ा कोई पिछड़े वर्ग का नेता हो गया? क्योंकि अभी 6 महीने पहले तक तो नीतीश जी, अशोक यादव जी आपकी कुनवे के बड़े बूढ़े थे ही, उन्हें संयोजक ही बना रहे थे आप लोग तो, और तय हुआ था कि अखिलेश जी उनको यूपी में घुमाएंगे और उनके साथ रहेंगे। उनने बांट रखा बिहार में आरक्षण, बिहार में कोई समस्या आई, कहीं हिंसा हुई? नहीं ना, ऐसा भी नहीं है मित्र, बटे नहीं बटे आप जानो, लेकिन बिहार में बट गया तो वहां कौन पुलिस पकड़ रही है? नहीं ना, बटा है ना, और आप सब राजी हो बिहार में? आपने बिहार में आंदोलन किया? नहीं ना, बिहार भारत में नहीं है, वो जापान में। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे फारसी का महाराज, बगल में तो देखो क्या हो रहा है, बीच में गंगा है, यूपी और बिहार में कोई अंतर है? वहां बटा है तो पहले बोलो लालू यादव मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, पहले यही बोलो। तब तो सुप्रीम कोर्ट का भी मसला नहीं था उन्हें तो बहुत पहले बांट दिया, इसलिए ऐसा भी नहीं। रत्नाकर सिंह जी, सब अपने अपनी बात कह के बड़ी बड़ी बाहें समेट के निकल जाएंगे क्या? लेकिन फंसोगे आप, आपसे मतलब भाजपा क्या? कई सत्ता के 99 लाभ है, एक नुकसान हमेशा सत्ता के साथ चलता है, आप भाग नहीं सकते क्या? विपक्ष में रहने के 99 नुकसान है, एक लाभ है बोलना है, बोला आगे चले क्या? आप कहां भागोगे अमिताभ जी? मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे बोलने का मौका जी बिल्कुल पूरा अवसर है भाई, आप सरकारी पक्ष हो जी। देखिए निश्चित रूप से भी पहली बार जब लोकसभा का चुनाव जब हो रहा था उस समय भी यही इंडी गठबंधन के लोग थे जो झूठ फैलाने का काम कर रहे थे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। और आप भी कहते हैं अपने चैनलों पे कि राहुल गांधी जी अपने सभा में कहते थे कि अगर मोदी जी दूसरी बार तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे तो देश से चुनाव ही खत्म हो जाएगा। आपने अपने चैनलों पे भी इसके बारे में जिक्र किया पहले भी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखिए आज झूठ फैलाने का काम ये समाजवादी पार्टी और इनके इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं और हमारे ऊपर कह रहे हैं आज की आरएसएस और बीजेपी की साजिश है। अरे आपके अलायंस जो है कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आरक्षण का विरोध किया है, आपको वो संज्ञान नहीं है वो वाकया सब? 80 और 90 के दशक में मंडल कमीशन को दबा, रिपोर्ट को दबा करके रखा और लागू नहीं होने दिया, किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के समय में। 1961 में जब आरक्षण लागू होने की बात हो रही थी उस समय नेहरू जी ने रुकवा दिया, आरक्षण नहीं लागू होने दिया। तो ये किसके शासनकाल में हुआ भाई? कांग्रेस, जिसके साथ आप हाथ आप गलबहिया कर रहे हो और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो, और यही कांग्रेस पार्टी जो है उस समय देश के सबसे बड़े दलित नेता जगजीवन बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से एक षड्यंत्र के तहत रोका, ये इंदिरा गांधी ने रोका। तो ये है कांग्रेस पार्टी आपके गठबंधन साथी की हकीकत। और बाबा साहब अंबेडकर को दो बार हराया किसने?
कांग्रेस पार्टी ने साजिश के तहत हराया, दूसरी बात तो 14,000 मतों से हराया जिसमें 78,000 तो बोगस वोट डिक्लेयर कर दिए कांग्रेस पार्टी ने। तो कहीं ना कहीं ये सारी परिस्थितियां यह बताती है और यह संज्ञान दिलाती है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आरक्षण का विरोध किया और राजीव गांधी ने सदन में खुद विरोध किया, ऐसा मंडल कमीशन की रिपोर्ट का सब विरोध किया है। तो आप क्या कहेंगे इस चीज को? पहले आप भारतीय जनता पार्टी के को कोसने का काम मत करिए, आप पहले अपने गठबंधन को समझाइए कि किस तरह से वो जो है राजनीति कर रहे हैं। दूसरी चीज जो कहने की बात है, अभी मैं चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी स्पष्ट किया था और अभी भी स्पष्ट कर रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे पे कहीं पे भी कोई किसी की भी हक को अधिकार को छीनने नहीं दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का, अब उसको बोल सकते हैं ये हमारा, मतलब हम उसको मान के चल रहे हैं कि हम इस आरक्षण को कहीं पे भी किसी भी तरह से खत्म नहीं होने देंगे। ये किरण रिजिजू जी भी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आया है लेकिन इसमें राज्यों का अधिकार है, SC ST कोटे के अंदर कोटा लागू करना ये राज्यों का अधिकार है, तो राज्य उसको देखेंगे कि किसको कितना सब कटराइज करना नहीं करना है। और हम जब तक हैं तब तक आरक्षण को किसी को भी खत्म नहीं करने दिया जाएगा, ना ही कोई जाति विशेष, ना ही कोई धर्म विशेष के आधार पे। धर्म विशेष के आधार पे तो आरक्षण है ही नहीं, जाति विशेष के आधार पे अगर कोई अगर चाहेगा आरक्षण को खत्म करे तो ये नहीं होने वाला। ठीक 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 अशोक सूरज जी, एक बार रुकिए भाई, एक बार रुकिए, समय कम है। सुजाता जी, भारत के आने वाले वर्षों की राजनीति आरक्षण के तराजू पर तौली जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता गलत हो, कोई और बड़ा मुद्दा आ जाए इससे, लेकिन अभी जितने मुद्दे उसमें यही मुद्दा मुझे लग रहा है जो ग्राउंड मतलब नीचे तक पेनिट्रेट कर रहा है। सुजाता पांडे और अमिताभ अग्निहोत्री को कौन सा मुद्दा समझ में आ रहा है इससे चुनाव प्रभावित नहीं होता, राही रत्ती? ननकू को कौन सा मुद्दा समझ में आया उस पर चुनाव वर्डिक्ट आता है? और हम लोग इस गलतफहमी में होते हैं कि हमको ये समझ में आ रहा, हमारी समझ से तो कुछ नहीं, भारत को समझ में आया, इंडिया को नहीं। मैं फिर उसी बात पर हूं, तो अगर वो मुद्दा रहा, आरक्षण ही डिसाइसिव फैक्टर बना, तो बीजेपी को उससे नुकसान होने की संभावना है, देखते हैं आप। वो म्यूट अनम्यूट का कुछ है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जब भी आरक्षण का मुद्दा आएगा, जब भी जातीय राजनीति का मुद्दा आएगा, हालांकि ये भी सच, तब भाजपा को शायद क्षेत्रीय दलों से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना होती है। ये पिछले चुनाव में दिखा, उसके पिछले चुनाव में भी दिखा है, कर्नाटका में भी दिखा, जब चुनाव लोकलाइज हो गया तो वहां पर बीजेपी को नुकसान देखना पड़ा। हालांकि ये भी सच है कि जितना कुछ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछड़े और अति पिछड़े जो वर्ग है उसके लिए किया गया है, जो जो बाबा साहेब अंबेडकर के लिए से जुड़े हुए जितने स्थल हैं उन सब को जिस तरह से उनका विकास किया गया, वो शायद किसी भी सरकार के इतिहास में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई कॉलिशन गवर्नमेंट हो, चाहे वो लेफ्ट हो, या फिर इन सारी जो जो कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके राज्य में नहीं है। लेकिन सच यही है कि जो भाजपा की राजनीति रही है वो लार्जर हिंदुत्व की राजनीति रही है, वो किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं रही है। नहीं। तो ऐसे में जैसे जब ये आरक्षण का मुद्दा आएगा तो सिर्फ भाजपा को नुकसान होगा ये मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है अमिताभ जी, जो देश को नुकसान होगा वो सबसे बड़ा फैक्टर है। हमारे सामने बांग्लादेश का उदाहरण पड़ा हुआ है, वहां से हम ये ले सकते हैं कि एक आरक्षण के मुद्दे को किस तरह से एक तरह से हथियार बना के विदेशी ताकतों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। एक ऐसा बांग्लादेश जो कि राइजिंग टाइगर के नाम से जाना जा रहा था, समय कम जा रहा था, बिल्कुल बर्बाद हो गया जी। सुरेश जी, आरक्षण का मुद्दा बाकी मुद्दों पर भारी पड़ता दिख रहा है और इसी प्रत्याशा में, इसी एंटीसिपेशन में बीएसपी भी अपना सामान अमान पैक करके बैग कंधे पर टांग के आ गई, बोले भाई चलो अब मामला ठीक आ गया, अब अपनी पिच पे आ गई गेंद। सर सर सर, काका कालेलकर कमीशन को रिपोर्ट को दबाया, मंडल कमीशन को दबाया, और मंडल कमीशन बीपी सिंह जी ने अगर लागू कर भी दिया तो वो बिना लेंटर के, बिना पिलर के लेंटर डालने वाली बात थी। शिक्षा में आरक्षण नहीं किया था, नौकरियों में कर दिया था। तो जब कोई पढ़ेगा ही नहीं, शिक्षा की तरफ पढ़ेगा ही नहीं,
क्योंकि ज्योतिबा फूले का बिल्कुल सीधा कहना रहा है।